शहर क्राइम ब्रांच पुलिस ने सुपारी व्यापारी को जेल से छुड़ाने के लिए 30 लाख रुपए की वसूली के मामले में 3 हवाला कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम नरेश वर्मा, रतन राणा और ब्रजेश पटेल है। ब्रजेश पटेल को खानदेश के जलगांव से गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में आरोपी मनोज वंजानी, सौरभ केसवानी और अशोक वंजानी के खिलाफ तहसील थाने में वसूली का मामला दर्ज है। इन दोनों आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। मामला क्राइम ब्रांच पुलिस को सौंप दिया गया है। वंजानी बंधुओं की निशानदेही पर क्राइम ब्रांच पुलिस की टीम ने उक्त तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के अनुसार आरोपी सौरभ केसवानी को हवाला के माध्यम से 30 लाख रुपए दिलाए गए थे। इस प्रकरण में पुलिस की टीम ने जलगांव और 40 गांव में दबिश देकर नरेश, रतन और ब्रजेश की धरपकड़ की। अशोक और मनोज के कहने पर सौरभ को हवाला के जरिए 30 लाख रुपए दिलाए गए। उसके बाद शेष 30 लाख रुपए के लिए अनुप नगरिया को परेशान किया जाने लगा था। चंद्रलोक बिल्डिंग में वासन वाइन शॉप के पास मनोज, अशोक ने अनुप को बुलाकर डराते हुए कहा था कि अनिल जेल से नहीं छूटेगा, हमारी न्यायपालिका और पुलिस विभाग में ऊपर तक पहचान है। अनिल को जेल से छुड़ाने और उस पर दर्ज मामले से बाहर निकालने के लिए 60 लाख रुपए खर्च लगेगा। आरोपी मनोज ने अपने फोन से आरोपी सौरभ केसवानी से अनुप की बातचीत कराई। सौरभ ने अनिल को छुड़ाने के लिए 30 लाख रुपए मनोज और अशोक के पास देने को कहा। यह रकम सौरभ को हवाला के माध्यम से जलगांव में दिलाई। यह बात जांच के दौरान जब क्राइम ब्रांच पुलिस को पता चली तब आरोपी नरेश, रतन और ब्रजेश को गिरफ्तार किया गया। बाइट सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सुपारी कारोबारी अनिल महेशचंद नगरिया को जेल से बाहर निकालने के बदले में अनुप से 30 लाख रुपए वसूली प्रकरण में एक पुलिसकर्मी भी रडार पर आ गया है। इस पुलिसकर्मी पर भी गाज गिर सकती है। इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त ने मामले को क्राइम ब्रांच पुलिस को सौंप दिया है। इस प्रकरण की क्राइम ब्रांच की टीम गंभीरता से जांच कर रही है। जळगाव म्हणा की ज्या ठिकाणी त्यांनी पोहोचवलेले आहेत त्याबाबतचा तपास आम्ही करत आहोत। त्यामध्ये 2 आरोपी आम्ही जे कुरिअरचे आहेत त्यांना अटक केले, अटक करून त्यांचा मी पीसीआर घेतला आहे 21 तारखेपर्यंत। सध्या मी मला काय सांगता येणार नाही कारण तो तपासाचा भाग आहे। सगळ्या संपूर्ण तपास झाल्यानंतर त्याविषयी बोलते, सध्या त्याविषयी बोलणं मला ठीक राहणार नाही। एका त्यापैकी एका अशोक, ह्या अशोक वंजन यांना अटक करण्यात आलेली आहे आणि त्यांनाच कोर्टात प्रोड्यूस करतो आहे आम्ही। असं त्यांनी ते कबूल केलं की आम्हाला 25 लाख मिळाले आणि 5 लाखाविषयी आम्हाला फोन तपासून करायचं आहे आणि ते पैसे रिकवर करायचे आहे, पण तो तपासाचा भाग आहे, पण त्यांनी कबूल केलं असं गेले। आता ते तपासाच्या दरम्यान त्यावर्षी नाही सांगता येणार मग सध्या। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपूर।